हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन नमकीन सेवई। सेवई बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती सभी को, ये दूध में भी बनाई जाती, लेकिन हम यहाँ पर आज है कि नमकीन सेवई बनाएंगे। और देखिए, बिल्कुल हम चाउमीन की तरह इनको बनाने वाले फ्रेंड्स, ये सभी को पसंद होने वाली है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेवई कौन सी ली, ये देखिए पतली वाली सेवई ली। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये पानी में उबाल आ रहा है, अब इसको हम सेमई डाल देते हैं इसमें पानी में। बिल्कुल हम चाउमीन की तरह बनाने वाले हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर तरीके से इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स उठने लग गए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने ये सेमई ली थी, इनको हम डाल देते हैं और इनको हम बॉईल होने छोड़ देते हैं। ऐसे ही चलाते रहेंगे हम बीच बीच में। इसको हमें ज्यादा नहीं बॉईल करना है, थोड़ा इसको हम इस तरीके से हिला डुला देंगे। तो अब इनको हम 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो सेवई हमारी घुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 मिनट भी नहीं होने दिया है, 2 मिनट में सेवई हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बॉईल हो गई है। अब इन्हें इतना ही बॉईल करना है, अब इनको हम निकाल लेंगे, छलनी में निकालेंगे, क्योंकि इसका पानी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है सेवई में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस छलनी, इस टाइप की जो हमारी घर में होती है, जो हम यूज करते हैं डेली में, हमने यहाँ पर जो थाली वाली छलनी होती है, छेद वाली, उसको लिया। उसमें मैंने इसको अच्छे से पानी निकाल दिया, इसका बॉयल वाला पानी, और मैंने एक्स्ट्रा पानी और डालकर इनको वॉश कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें ठंडा पानी और डाला था। और सेमइयों को भी हमने ज्यादा नहीं इनको भुनने दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग रखी है सेमई इस तरीके से। जो हम ठंडा पानी डालते हैं ना, तो उससे इसका चिपचिपाहट बिल्कुल निकल जाता है और ये अलग अलग रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए, हम इसके लिए क्या क्या सामग्री लेंगे ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 कप सेमई ली थी, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेमई हमारी बॉईल होकर तैयार है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने मसाले लिए हैं यहाँ पर चाउमीन यानी कि सेवई बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच चाउमीन मसाला, 1 प्याज मीडियम कटा हुआ, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया, और 1 मैंने यहाँ पर लंबे सेम में काट के रखी है, आधा छोटे चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा छोटे चम्मच विनेगर लिया है, आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर यानी कि लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो चलिए हम इसे शुरू कर देते हैं ये बनाना। तो सेवई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया फ्रेंड्स, इसमें पैन चढ़ा दिया है, और पैन में मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप इन्हें घी में भी बना सकते, लेकिन सबसे ज्यादा हमें सरसों के ऑयल में भी अच्छी लगती है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे सरसों के ऑयल में ही बना रहे हैं। तो देखिए इसमें धुआं उठने लग गया है, ऑयल का कलर चेंज भी हो गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे लोए फ्लेम पर ही पकाना है। जो हमने यहाँ पर सब्जियां ली, सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ले सकते हैं, आपको जैसा है पसंद हो सब्जियां। यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, प्याज डाल दें, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑयल भी ज्यादा नहीं डला है, जो आपको कोई भी नुकसान हो इससे, आप इसे डेली भी बना करके खा सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है ये सब नूडल्स मैगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम टमाटर डाल देते हैं, अब इनको हम अच्छे से पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा इनका कच्चापन निकलने तक इनको थोड़ा हल्का हल्का पका लेना है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि आप इन्हें ज्यादा नहीं पकाना है, इनको हल्का हल्का इनको पका भी, इनका कच्चापन निकलने तक इनको हमने पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो सोया सॉस ली थी, इसको हम ऐड कर लेंगे, विनेगर को भी ऐड कर लेंगे, और इनको दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, प्याज और ये हरी मिर्च टमाटर में। इस
हमें ज्यादा नहीं, 30 सेकंड ही हम इनको पकाना है, जो सॉस होती है हमारी तो इसको थोड़ा पकाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, नमक ऐड कर देंगे, ये मैंने चाउमीन मसाला ऐड किया है और यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर को भी, इसको हम इसलिए डाल रहे हैं पहले से क्योंकि इसमें सेमई में अच्छे से मिक्स हो पाएंगे चीजें सारी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेमई को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले तो हम इसको अच्छी तरीके से इनको अलग अलग कर लेंगे, पहले तो हमने पहले से अलग अलग करके रखी थी लेकिन हम और कर लेंगे इनको। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अच्छे से इनको मिक्स कर लिया सेमई में, जो हमने वेजिटेबल ली थी। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ही ले सकते हैं, आपको जो अवेलेबल लगे। आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, यहाँ पर गाजर भी डाल सकते हैं और पत्ता गोभी को भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको जैसे पसंद लगे। तो देखिए ये प्रॉपर तरीके से हमारी बन करके तैयार है चाउमीन सेवई। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और सेमई चाउमीन हमारी बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी भी दिख रही है और ये खाने में बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट भी लगेंगी। जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी हमें स्वादिष्ट भी लगने वाली है, तो बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को पसंद आने वाली है। तो अगर आप स्पेशल बच्चों के लिए बनाते हैं तो इसमें लाल मिर्च ना डालें फ्रेंड्स। अगर इसमें थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा टमाटर सॉस को भी ऐड कर दें, बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए इसे आप फटाफट सुबह की भूख या फिर शाम के इसे नाश्ते में बना करके इसे खा सकते हैं। तो ये फटाफट बन जाती हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये सेमई की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।